विराट कोहली, इन्हें कैसे देखते हैं? भाई मेरी तरफ से सबसे पहले उन्हें ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी। मेरे व्यक्तिगत उनसे बहुत खूबसूरत संबंध रहे हैं। राजनीतिक संबंधों पर आप हमेशा सवाल करते हैं और मैं हमेशा जवाब देता हूँ कि समय आने पर वो तय किया जाए, पर उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। उनके परिवार से मेरे बहुत खूबसूरत संबंध रहे हैं और मैं जानता हूँ कि वो बहुत मेहनत करने वाली है। बार बार हमने इस बात को कहा है कि कानूनी प्रक्रिया में किसी का भी हस्तक्षेप या किसी भी तरीके की टिप्पणी उचित नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया है, विकल्प हैं उनके पास। अभी ऊपर की अदालत में जाकर देखिए, बयान तो उन्होंने दिया था, अब न्यायालय ने इस बयान को के ऊपर जिस तरीके से सज़ा सुनाई है, अब उसके खिलाफ ये ऊपरी अदालत में जाते हैं नहीं जाते हैं, पर मुझे लगता है कि जो भी उचित हो ऊपर की अदालत भी उसी हिसाब से अपना आदेश देगी। राहुल गांधी को लेकर महागठबंधन ने पैदल मार्च निकाला है सड़क से सदन तक। विपक्ष प्रयास करता ही है एकजुटता दिखाने की विभिन्न मुद्दों पर, दिक्कत यही है कि विपक्ष के ही कई ऐसे महत्वाकांक्षी दल हैं जो इनकी एकजुटता के प्रयास खत्म करने का कार्य करते हैं। ममता बनर्जी जी हैं जो अपना अकेले चलो की रणनीति पर निर्णय लेती हैं। बहरहाल विपक्ष की ये प्रयास कितने कामयाब होते हैं नहीं होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर हाँ कुछ ऐसे विषय हैं जो कि कानून से जुड़े हुए होते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने से कोई लाभ किसी को। चिरागी पंजाब और दिल्ली ऐसे राज्यों में जहां जनता पर भार कम किया जा रहा है, वहीं बिहार नीतीश कुमार के राज्य में बिजली दरों को बढ़ा दिया गया है, अब जो है 2 रुपये और महंगा हुआ है बिजली। कल मैं इस विषय को लेकर एक विस्तृत प्रेस वार्ता आप सबके साथ करूंगा, क्योंकि इससे पूर्व ये जानकारी मुझे लगता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैंने खुद ही आप लोग के साथ कुछ समय पूर्व साझा की थी कि कैसे बिहार सरकार प्रयास कर रही है बिजली की दरों को बढ़ाने का। और मुख्यमंत्री जी का वो बयान, हम लोग की प्रेस वार्ता के बाद मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया था, एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिजली के बिल कम तो नहीं होंगे। आप लोग को पता है कितनी महंगी बिजली खरीदते हैं, ये उन्हीं का ही बयान था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। तो जो मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो महंगी दरों पर बिजली खरीदते हैं और उसको महंगा बेचते हैं बनिस्पत बाकी राज्यों के, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से इनके पास बिहार और बिहारियों को किसी भी तरीके की रियायत देने की सामने देखे चाहिए कम से कम कोई योजना इनके पास नहीं है। यही वो सरकार है, कम दर पे बिजली लेनी पर उनको सुविधाएं मिलती हैं, पर बिहार सरकार कैसे बिजली का बोझ, और भाई बिजली का बोझ हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऐसे में हम लोगों ने कुछ समय पहले ही ये आशंका आप सबके सामने जाहिर की थी कि सरकार बिजली के दरों में बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रही है, योजना बना रही है, और ये परिणाम आज सामने आ गया। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ये समय नहीं है कि भैया वो बैठे और तरीका निकालें कि कैसे बढ़ते हुए बिजली के दामों को कम किया जा सके। इनके पास फुर्सत है अपनी कुर्सी को बचाने की योजना निकालने का, पर इनके पास ये फुर्सत नहीं है कि बढ़ते दामों को कैसे कम किया जा सके ताकि बिहारियों को कुछ रिहात मिले। तेजस्वी यादव साहब साफ कर दिया आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, भाई जाए पेश हो अच्छी बात है, मतलब उनके पास ये मौका है अपनी बातों को रखने का। मैं पुनः दोहराता हूँ, जो सही है जो निर्दोष है उन्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कल ये मौका है उनके पास जाकर अपना पक्ष रखने का। निर्दोष है तो अपनी बातों को यही उचित मंच है जहाँ पे वो यादव ने कहा कि ना तो वो सीएम बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार सीएम बनना। अच्छी बात है भैया, सीएम नहीं बनना चाहते, पीएम नहीं बनना चाहते, तो लड़ाई किस बात की चल रही है?
महागठबंधन में रह रहकर जो दरारें सामने आती हैं, ये महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है ना भाई। ये बात कहकर आप इस बात से पल्ला झाड़ लें, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के बर्ताव में, कार्यशैली में ये बात नहीं दिखता। बार बार महागठबंधन के भीतर एक वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है। जो सीएम नहीं है वो सीएम बनने का प्रयास करते हैं, और जो सीएम है वो कैसे मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष की तरफ से पीएम के दावेदार बन जाए। पर बहरहाल, ना मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता है, ना मेरे लिए प्राथमिकता है। इसमें बिहार और बिहारी पिसते हैं, ये मेरी चिंता हमेशा से रही। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।